हम चुमाथांग में हैं, लद्दाख में, इंदस रिवर के बैंक्स पे। आप देख सकते हैं ये सीरीज ऑफ हॉट स्प्रिंग्स, यहाँ पे मदर अर्थ की वूम से बाहर निकलते हुए खूब एनर्जी को डिसिपेट करते रहे, और यहाँ पे सारे के सारे ये हॉट स्प्रिंग्स हमारे को नज़र आ रहे हैं। ये पूरा का पूरा एरिया हॉट स्प्रिंग से भरा हुआ है, और हमारे नीचे धरती की ऊर्जा से सारी की सारी एनर्जी बाहर आ रही है। चुमाथांग एक ऐसी जगह है जहाँ पे आज तक इस हॉट स्प्रिंग को सिर्फ या तो नहाने के लिए यूज़ किया गया है, या आमची और आमची ये लोग उसमें मेडिसिन के तौर पे इसको यूज़ करते हैं ताकि लोगों के दर्दें यूज़ ठीक करी जा सके। थोड़े साल पहले इंडो नॉर्वे आइसलैंड का एक जॉइंट वेंचर हुआ था, अग्नियोद्गारा नॉर्थ प्रोजेक्ट, रिसर्च काउंसिल ऑफ नॉर्वे ने उसको फंड किया था। उसके तहत यहाँ पे एक होटल में हमने वो आइडेंटिफाई किया था, और उसको इस ग्रीन एनर्जी के तहत, हॉट स्प्रिंग के तहत उसको ग्लाइकोल को हीट किया और बाकी हीटिंग सिस्टम करके एक जो उसका ड्राइंग रूम है जहाँ पे उसका खाने की व्यवस्था है उसको हीट किया, और सक्सेसफुली बहुत अच्छा चल रहा है। और विंटर्स में वो बगैर फॉसिल फ्यूल के पूरे रूम को हीट करता है। अगर हम इसी एनर्जी को, ये चुमाथांग यहाँ से थोड़ी सी दूरी पे है, अगर हम इसको वहाँ पे 100 घर के करीब है और एक मॉनेस्ट्री है, स्कूल है, अगर हम इसको पूरे का पूरा वहाँ पे हम इस पानी को वहाँ पे ले जाएं और उसको हीट करें, पूरे की पूरी 100 घर वहाँ पे हीट हो सकते हैं, वहाँ की पानी की, गर्म पानी की समस्या दूर हो सकती है। गर्म पानी करने के लिए हमारे को आग नहीं जलानी पड़ेगी, गर्म पानी करने के लिए हमारे को बिजली का उपयोग नहीं करना पड़ेगा, गोबर का उपयोग नहीं करना पड़ेगा, और घर भी हमारे जैसे ये वाला होटल का रूम हीट हुआ है उसी तरह से हम पूरे के पूरे चुमाथांग को हीट कर सकते हैं, मॉनेस्ट्री को भी हीट कर सकते हैं। इससे अगर हम थोड़ी सी एनर्जी प्रोडक्शन के रूप में देखें तो इसमें थोड़ा सा ड्रिल करके यहाँ पे हम एनर्जी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं जिसकी कैपेसिटी 1-2 मेगावाट भी हो सकती है, और वो पूरे के पूरे चुमाथांग क्यारी और इस चांगथांग रीजन को, इस रीजन को 24/7 इलेक्ट्रिसिटी मुहैया करा सकते हैं। इसके तहत यहाँ पे ग्रीन हाउस, बड़े बड़े ग्रीन हाउस बन सकते हैं। एग्रीकल्चर जो अभी एक सीज़न की होती है, हम विंटर्स में भी इसको कर सकते हैं, कंट्रोल्ड रहेगा हमारा सारा, इसके थ्रू हम इसको हीट कर सकते हैं और वहाँ के बहुत अच्छा एक ग्रीनरी इस पूरे रीजन को दे सकते हैं, विंटर्स में भी। और ग्रीन वेजिटेबल्स जो हमारे फौज को ज़रूरत पड़ती है, जो अभी हम चंडीगढ़ से या ट्रांसपोर्ट करते हैं दिल्ली से, वो सारी की सारी हम यहाँ पर ग्रो कर सकते हैं। हम यहाँ पर इसको फिशेस को उगाने के लिए या एक फिशेस को ग्रो करने के लिए भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, और हेंस को मुर्गा पालन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, गौशाला भी खोल सकते हैं, मतलब काफ़ी चीज़ यहाँ पे इस इसके तहत हो सकती है, जो सर्दी में भी हम बहुत अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं और इस पूरे रीजन की हम इकोनॉमी को, सोशल इकोनॉमी को अपलिफ्ट कर सकते हैं। ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सकता है अगर यहाँ पे स्विमिंग पूल बन जाए, यहाँ पे अगर अच्छा ऑडिटोरियम मतलब वो बन जाए, स्विमिंग क्लोज्ड या ओपन भी बन जाए, तो उसमें हम टूरिज्म, जो टूरिस्ट आता है यहाँ पे, एक स्विमिंग पूल हो वो अच्छा यहाँ पे स्पेंड कर सकता है, टाइम स्विम कर सकता है। लेगून जैसे ब्लू लेगून आइसलैंड में है, उसके तहत यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं, तो ये लोकल जो लोग हैं यहाँ पे उसकी इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। अभी कोशिश करें कि हम जितना जल्द से जल्द इस हॉट स्प्रिंग की एनर्जी को यूज़ करें ताकि लोकल लद्दाख के लोगों को फ़ायदा हो सके। लद्दाख के लोगों को फ़ायदा होगा, आर्मी को फ़ायदा होगा, हमारे बॉर्डर सुरक्षित रहेंगे, और हम एक अच्छा यहाँ पे मॉडल प्रस्तुत कर सकते हैं कि कैसे एक हॉट स्प्रिंग इकोनॉमी और एक सोशल अपलिफ्टमेंट रीजन की ला सकता है। रेस्टोरेंट में है 3 साल, 2011 में, 2010 में हम आए थे सबसे पहले यहाँ पे सर्वे करने के लिए कि चुमाथांग में कहाँ कहाँ प्रोजेक्ट लगना है। तो इधर और एक पुग्गा स्कूल में हमने सोचा था कि
टिफिन स्कूल में कि वो सारा हीटिंग सिस्टम करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे इस रेस्टोरेंट के मालिक के साथ हैं यहाँ पे, और ये पिछले 2011-12 में ये इंस्टॉल शुरू हुआ था। आइसलैंड से सारा सामान आया था, बजनी और ये सब करके गए थे। तो अब हमने यहाँ पे देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा ये सिस्टम चल रहा है। 3 घंटे लाइट आती है, उससे इन्वर्टर चार्ज हो जाता है, और ये सोलर पैनल जो ऊपर लगे हैं वो कुछ सोलर इन्वर्टर ख़राब हो गया है, उसके कारण ये थोड़ा चार्ज नहीं कर पा रहे हैं, इसके कारण प्रॉब्लम आ रही है, उसको रिप्लेस नहीं मिल पा रहा पार्क का। जी जी, अदरवाइज ये सिस्टम 3 सालों से बहुत अच्छा, पहले साल में बहुत अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया चल रहा है, फिर 2 सालों में प्रॉब्लम आना शुरू हो गया। जी जी, पर अभी 3-4 घंटे चलता है ये। हाँ, 3-4 घंटे चलता है, 3-4 घंटे भी अच्छा चलता है, तो सर्दी में रात में अच्छा हीट कर देता है, बहुत बढ़िया हीट, बहुत बढ़िया हीट कर देता है। तो ये जियो थर्मल का फर्स्ट एप्लीकेशन अगर आप इंडिया में कहेंगे, डायरेक्ट एप्लीकेशन टू हीट द रूम, तो एक वो पायलट प्रोजेक्ट था, और यहाँ पे 3 रूम्स और बनाए थे, वो भी अच्छे हीट कर देते हैं, तो इनका काफ़ी नाम हो गया जियो थर्मल के नाम से, लोग देखने भी आते हैं सिस्टम कैसे चल रहा है, आर्मी वाले भी आते हैं, सिविलियन भी आते हैं, कैसे हीट हो रहा है सब। अरे दुर्जे मोटर साहब पहले पीछे पड़ गए कि यहाँ पे क्यों लगवा रहा है, तो और जगह क्यों लगाया तुमने, दिल्ली क्यों लगा रहा है, पायलट प्रोजेक्ट हुआ था, तो मैंने काफ़ी अच्छा हीट किया, वो देख रहे हैं हम कि कैसे और जगह में ये लगा सकते हैं। थैंक यू। तो ये जो है बेसिकली वी आर इन अ हॉट स्प्रिंग ऑन द बैंक्स ऑफ इंडस रिवर एट चुमाथांग। यहाँ पे क्या हुआ है, जब इंडिया और चाइना कोलाइड गए थे तो कुछ वेंट्स, कुछ फ्रैक्चर्स ऐसे रह गए थे जो यहाँ से इसको बिल्कुल डायरेक्ट मैग्मा से रिलेट करते हैं। तो जो भी पानी यहाँ से नीचे जाता है मैग्मा से हीट होके वापस ऊपर आ जाता है, तो ये हमारे को हॉट वाटर के रूप में यहाँ पे मिल रहा है बेसिकली। अब यहाँ पे हमने क्या किया था, पहले ये ऐसी यहाँ पे पूरे में रहता था, तो इसको पूरे को इकट्ठा करा पानी को, और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो पाइप लगाई ना, इससे पाइप से ये पंप लगा हुआ है यहाँ पे, देखिए हाँ ये पंप पानी से ऊपर जाता है। अब होता क्या है, यहाँ पे ये दो पाइप लगी हुई है, अब यहाँ से पानी बना, ये देख यहाँ से इस वाली पानी से अंदर जाएगा और इसी से बाहर आ जाएगा पानी जब चलता है। इसके साथ जो बीच में ये जो काली वाली पाइप्स लगी हुई है ना, इसमें ग्लाइकोल है बेसिकली, वो ग्लाइकोल को हीट करते हैं, फिर आगे ग्लाइकोल सबको हीट करते हैं, इसे सेंट्रल हीटिंग सिस्टम होते हैं बाकी। तो जो हीटिंग सिस्टम यहाँ पे है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग ऑयल टू हीट दैट, वी आर यूजिंग दिस नेचुरल फ्री एनर्जी, दिस इज व्हाट वी कॉल फ्री एनर्जी। तो उससे क्या हो रहा है, ये सारा का सारा बहुत अच्छा हीटिंग हो रही है उनकी। और फिर इन्होंने क्या किया, यहाँ से पंप डाल दिया, एक और टुल्लू पंप लगाया, और यहाँ से गर्म पानी इनका जा रहा है। तो वेरी इफेक्टिव वे ऑफ यूजिंग एनर्जी। अगर ये पूरे का पूरा, जैसे इसमें दिस इज व्हाट वी प्लान टू डू इट फॉर द एंटायर चुमाथांग विलेज, देयर अबाउट 100 villages हियर, 100 houses सॉरी, 100 houses। तो ये सारे का सारा उसको वैसे ही रह जाएंगे जैसे इसको हीट किया, दिस वाज अ पायलट प्रोजेक्ट। और ये कितना पुराना है, ये भी 3-4 साल पुराना होगा। अच्छा, सो नाउ इट्स वर्किंग वेल, ये बहुत ज्यादा है। तो ये एक बड़ा प्रैक्टिकल सा एग्जांपल है, और बड़ा सिंपल सा है। और भी जगह ये हॉट स्प्रिंग है, जगह जगह होंगे ये, नहीं ये यहाँ इसमें तो एरिया में तो यही है।